आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। आरएलडी प्रसपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दल आएंगे, सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। कृष्णा पटेल ओपी राजभर से चर्चा करेंगे अखिलेश, संजय चौहान केशव देव मौर्य मीटिंग में रहेंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बुलाई बैठक। आरएलडी प्रसपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दल आएंगे, सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। कृष्णा पटेल ओपी राजभर से चर्चा करेंगे अखिलेश, संजय चौहान केशव देव मौर्य मीटिंग में रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। आरएलडी प्रसपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दल आएंगे, सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। कृष्णा पटेल ओपी राजभर से चर्चा करेंगे अखिलेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय चौहान केशव देव मौर्य मीटिंग में रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनावी माहौल है, मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, बैठकें चल रही हैं, आरएलडी प्रसपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दल सब शामिल होंगे, सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बड़ी खबर सामने आ रही है, कृष्णा पटेल ओपी राजभर से चर्चा करेंगे अखिलेश, संजय चौहान केशव देव मौर्य भी रहेंगे बैठक में मौजूद। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बुलाई बैठक। आरएलडी प्रसपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दल आएंगे, सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। कृष्णा पटेल ओपी राजभर से अखिलेश करेंगे चर्चा, संजय चौहान केशव देव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई है और सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बात बताया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे का समय तो था, लेकिन 12 बजे ये बैठक जो है वो शुरू नहीं हुई और अब इसका समय जो है वो 1 बजे बताया जा रहा है। जिस बैठक में प्रसपा के कई नेता मौजूद रहेंगे, आरएलडी के नेता मौजूद रहेंगे, कृष्णा पटेल मौजूद रहेंगी अपना दल वाली, इसके अलावा ओपी राजभर मौजूद रहेंगे और अखिलेश यादव इनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा संजय चौहान केशव देव मौर्य भी मीटिंग में आने वाले हैं और इन सबसे चुनाव की रणनीति के लिए चर्चा होने वाली है। ये पार्टियां जहां जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैंडिडेचर का क्या हिसाब किताब है, क्या प्रोफाइल आया है, किस पर मोहर लगानी है, उसको लेकर चर्चा होनी है और सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे क्षेत्रीय दल छोटे छोटे जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन अब इन सबके बीच में एक सबसे बड़ी रस्साकशी यही है कि सीटों के बंटवारे में किसके हिस्से क्या हाथ आता है, क्योंकि सबको उम्मीद होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले तो उसी हिसाब से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, अपनी अपनी रणनीति को मजबूत किया जाए। लेकिन अखिलेश भी जानते हैं कि अगर सबको निपटाना है तो 100 सीटों के अंदर में ही निपटाना है, अगर 100 सीटों के अंदर में नहीं निपटाएंगे तो वो खुद छोटी पार्टी बन के रह जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव को पता है और उसी गणित के हिसाब से अखिलेश यादव सभी को खुश करने में नजर आएंगे लगेंगे। जी नितिन, जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अगर कोई भी व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं कोई भी दल अगर खुश नहीं रहता तो क्या वो गठबंधन तोड़ सकता है? अभी भी मौका है। देखिए, मजबूरी का नाम मजबूरी है, मजबूरी पे अगर कुछ कहा जाए तो हो भी सकता है ऐसा कि वो नाराज होकर गठबंधन तोड़ ले, लेकिन अब चुनाव इतना करीब है जी। और दूसरी तरफ जो बाकी जो दल है छोटे दल, उन्होंने जब पार्टी जहाँ ज्वाइन किए, चाहे बीजेपी ज्वाइन की हो किसी ने या फिर सपा ज्वाइन की हो, तो ज्वाइन करने के बाद जो बयानबाजियां हुई हैं और इलेक्शन इतना करीब है, तो जाहिर सी बात है कोई भी राजनीतिक दल अब तो किसी दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाने की नहीं सोचेगा, क्योंकि इलेक्शन इतना करीब है और वो भी जान रहा है कि अगर हम वहां गए तो वहां पता नहीं इतनी सीटें मिले ना मिले, जो यहाँ मिल रही है वो मिले वो भी ना मिले, तो ये सारा जो भय है, ये सारा जो डर है वो उनके दिमाग में बना होगा, क्योंकि लगभग सभी जगहों से जो प्रोफाइल है कैंडिडेट्स की वो जमा करवा ली गई है सभी पार्टियों में, तो पार्टियां भी जानती हैं कि कहां से किसको फाइनल करना है, और अगर इस समय कोई भी राजनीतिक दल टूट के किसी और के साथ जाता है तो उसको भी ये पता होगा कि अगर हम गए
तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो हम जिस सीट के लिए मांग करेंगे वहां पर प्रत्याशी घोषित हो चुका होगा तो उसको तो नहीं हटाया जाएगा, या फिर प्रत्याशी फाइनल होने वाला होगा उसको नहीं हटाया जाएगा, तो उसमें भी नुकसान है। तो अब कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि वो छिटके और इधर उधर भागे। जी, लेकिन अभी भी बीजेपी से कई दलों के सपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो जो छोटे छोटे नेता हैं या फिर विधायक हैं अगर वो आते हैं तो क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? देखिए, अटकलें तो लगभग सभी जगह लगाई जाती हैं, चुनाव है तो चुनाव में अटकलें नहीं लगेंगी तो फिर और कुछ नहीं बचता है शिखा, क्योंकि कोई इधर आएगा कोई उधर जाएगा, वो तो पुरानी राजनीति है उत्तर प्रदेश और देश की, और ये लगभग सिलसिला चलता आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें जाए तो भी कुछ दिन पहले तक वो बीजेपी के गुण गाते हुए नजर आ रहे थे, वो बीजेपी की सारी योजनाओं को बेहतर बताते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल एकाएक अचानक से वो पार्टी से अलग हो गए और ये कहें कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। तो ये जो चुनाव, तो क्या मान सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद मिल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के सपा का दामन थाम लिया? देखिए, पद नहीं मिलेगा यहाँ से, पद नहीं मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि टिकट शेयरिंग की बात और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के बात नहीं बनी थी बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं उत्कृष्ट और अशोक मौर्य, उनके टिकट को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले केंद्र नेतृत्व से कहा था, लेकिन केंद्र नेतृत्व ने मना कर दिया था जी। और उसके बाद जब कैंडिडेट लगभग फाइनल हुए हैं इंटरनल सोर्सेस से जो पता चला है, तो उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पता चल गया कि उनके लड़के को टिकट नहीं मिल रहा है, और उसके बाद ये उम्मीद लगाई गई कि अब पार्टी छोड़ दी जाए और कहीं और का दामन थामा जाए, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि अगर वो सपा में जाएंगे तो सपा से उनको टिकट, उनके बेटे को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो कहाँ जाएंगे ये अभी बता पाना मुश्किल है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को नहीं ओपन कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ से टिकट की बात हुई है, लेकिन ये है कि हाँ, सपा से उनको कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छोटे छोटे जो सहयोगी दल हैं वो सपा के साथ हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी जान रहे हैं कि अगर हम वहां गए तो हमें थोड़ा मजबूती मिल जाएगी अगर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अखिलेश ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है, संजय चौहान केशव देव मौर्य मीटिंग में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर, अखिलेश ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।